ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। तो हमें अपने मूल्य को क्या करना है, बढ़ाना है, मीन्स अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए रोज शिव बाबा का ज्ञान सुन रही है, और बाबा जो भी ज्ञान सुना रहे हैं, हमेशा बाबा का फोकस होता है कर्मों की गहन गति पर। मुरली अगर ध्यान से सुने तो गीता के पूरे 18 अध्याय पर बाबा के महावाक्य चलते हैं, कभी नष्टो मोह स्मृति लब्धा पर, कभी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने पर, कभी योग पर। हर अध्याय देखो तो गीता से ही लिंक होता है। पर बाबा के भी तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं श्रवण करने वाले, एक कान से सुनकर क्या करने वाले होते हैं, निकालने वाले। दूसरे हैं सुनते हैं, समा लेते हैं, माना उस का स्वरूप बन जाते हैं। और तीसरे बच्चे वो होते हैं जो सुनते हैं और इमीडिएट धारण कर लेते हैं। तभी बाबा बोलते हैं बच्चे नंबर वार। आज भी बाबा ने कहा नंबर वार। बाबा तो सबको एक दिन एक ही जन्म पर शक्तिवान मास्टर, शक्ति स्वरूप का, शक्ति भव का क्या दे देते वरदान, लेकिन लेने में क्या हो जाते हैं, नंबर वार हो जाते हैं। तो मुरली जो ध्यान से सुनते हैं तो वो बाबा को बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमारी जो बाबा की वाणी चल रही है, कैसे हम अपने जीवन में सत कर्म करें, क्योंकि हमको मिला ही सत बाबा है, जिसको श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। श्रेष्ठ बाबा की श्रेष्ठ मत हम बच्चों को क्या हो रही है, मिल रही है, मिलती है ना सभी को। तो श्रेष्ठ मत जिसको श्री मत भगवत गीता भी बोलते हैं, एक भगवत गीता में ही श्री मत का गायन है। जो बाबा के श्रेष्ठ मत यानी श्री मत पर चलते हैं तो वो श्रेष्ठ गति की उनको क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है।